नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 से 6 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोगों को बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं, साथ में सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। अगर हम ये कहें गारंटीड रिटर्न, तो गारंटीड रिटर्न भी इस वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जो 5 से 6 इन्वेस्टमेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये आप लोगों को गारंटीड रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन ट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि लॉन्ग टर्म होता क्या है। कई लोग यहाँ पे 3 साल को लॉन्ग टर्म समझते हैं, तो मैं यहाँ कहूंगा दोस्तों ये 3 साल कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग जाने लॉन्ग टर्म के बारे में, तो 5 साल या फिर उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप लोगों के, इन नंबर्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कहे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं नंबर्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म का ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, बाकी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आप लोग बिगनर हैं, अगर आप लोग पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं, तो आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल कर देगी। अगर आप लोग निवेश नहीं किए इन जगहों पर, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियोज भी बना रखी है। अगर आप लोगों को इन 5 से 6 इन्वेस्टमेंट से कोई भी बेहतर लगता है, तो आप लोग उनकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, अच्छे खासे रिसर्च करके ही आप लोग अपने अकॉर्डिंग निवेश कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला निवेश मैंने आप लोगों के लिए रखा है, वो है फिक्स डिपॉजिट का। अगर दोस्तों हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, अगर हम बैंक की बात करें, तो 7 दिन से लेकर के, यानी कि 1 हफ्ते से लेकर के, हम 10 सालों तक का निवेश कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में। और यहाँ पे दोस्तों निवेश की कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास जितना भी पैसा है यहाँ पे आप लोग निवेश कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कहीं से भी अमाउंट गिफ्ट के रूप में, या फिर दोस्तों आप लोगों को कहीं से अमाउंट आ गया है, कहीं से अर्निंग हो गई है, तो आप लोगों के लिए फिक्स डिपॉजिट काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग 5% से लेकर के 10% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। ये आप लोगों के निवेश के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कितने सालों का निवेश किया है, और अलग अलग बैंकों में ये अलग अलग तरीके से होता है। अगर 10% की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कई सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम 10% तक का ऑफर कर देती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 10% को बताया। लेकिन यहाँ पे आपको 8 से 9% तक का, अगर बैंकों और पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो वहां से आप लोग रिटर्न निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आप लोगों को केवल 5 साल तक का समय मिलता है, यानी कि आप लोग 5 साल तक वहां पे टाइम डिपॉजिट के रूप में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें अगर इसके रिटर्न के रूप में, तो यहाँ पे आप लोगों का पैसा कभी डूबने वाला नहीं है। एक फिक्स डिपॉजिट जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, तो आप लोगों को जिस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न आप लोगों का जैसे आप लोग अर्निंग करते जाते हैं, जैसे कि आप लोग अगले महीने में जितना भी इंटरेस्ट गेन किए हैं, फिर अगले महीने से उसके अगले महीने से वो दोनों पैसा जोड़ करके उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ये कंपाउंडिंग के थ्रू काम करता है, जो कि काफी अच्छा इसका बेनिफिट मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, तो एक बार नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, निवेश करने से पहले एक बार एनालिसिस करना आप लोगों को जरूरी है। वहीं पे दोस्तों अगर हम दूसरा इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने रखा है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा आप लोग इसको लॉन्ग टर्म में ही लीजिएगा, यानी कि दोस्तों आप लोग इसको 5 से 10 साल। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 2 तरह के मिल जाते हैं, एक तो आप लोगों का गोल्ड ETF में निवेश करना, और भी कई सारे गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग उनमें भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का मार्केट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर इन द सेंस दोस्तों कि जिस तरह से गोल्ड की डिमांड होती है, उस तरह से गोल्ड की प्राइजेस वगैरह भी डिसाइड होती है। यहाँ पे आप लोगों कभी भी इसको बेच या फिर खरीद सकते हैं, ये इसका काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर वहीं पे हम शेयर मार्केट से कंपेयर करें, तो दोस्तों क्या होता है आप लोग का शेयर मार्केट में आप लोग जो भी स्टॉक या फिर जो भी खरीदते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि जब आप लोग चाहे तब उसे सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, तो आप लोग इसे चाहे आप लोग को जब भी पैसे की जरूरत पड़े, तो आप लोग उसके अगले दिन उसे सेल करके यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों की एक सिक्योरिटी मनी भी क्रिएट करके देगी, और साथ में आप लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा निवेश भी दे सकती है। अगर दोस्तों हम इसके 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले सोने की कीमत आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और इस समय सोने की कीमत आप लोग देख रहे हो काफी ज्यादा हाई है, लगभग मेरे ख्याल से 33 से 34 हजार प्रति 10 ग्राम है। तो आप लोग दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट को भी एक बार जरूर चूज कीजिएगा, इसके भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा इन्वेस्टमेंट जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इस समय, अभी कुछ महीने से पहले, यहाँ पे अगर कुछ महीने पहले की बात करें, तो यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कम पैसे लग रहे थे, लेकिन अब धड़ल्ले से लोग पैसा लगा रहे हैं। ये है दोस्तों आप लोगों का लैंडिंग का, जिसे आप लोग प्लॉटिंग कहते हैं, जिसे आप लोग रियल इस्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, कोई लैंड खरीद करके कुछ दिनों तक छोड़ सकते हैं, कुछ दिनों इन द सेंस दोस्तों कि 5 से 6 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी आप लोगों से पॉसिबल हो सके
ये दोस्तों आप लोगों को हेल्प कर सकती है। एक तो आप लोगों को अच्छा खासा मनी भी क्रिएट करती रहेगी, यानी कि जितने समय के लिए आप लोग, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी है तो उसे 2.5 लाख में बेची है। अगर दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो अगर 5 लाख की जमीन खरीदी है तो 15 से 10 लाख में ही बेची है। अगर 2-3 साल तक आप लोग छोड़ देते हैं उसे, तो कई लोगों की जमीन बिकी है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इसमें, कई लोगों की मैंने जमीन बिकवाई है। थोड़ा मेरे दोस्त की प्लॉटिंग भी चल रही है तो काफी अच्छा खासा इसके बारे में नॉलेज है। तो आप लोग यहाँ पे इसमें निवेश कर सकते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों आप लोग को निवेश करने के लिए चाहिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट 1 लाख में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है आने वाले 3, 4 या फिर 5 सालों में। तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथा इन्वेस्टमेंट है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे आप लोग पीपीएफ भी कहते हैं। इसे अगर कोई भी भारतीय नागरिक है तो वो खुलवा सकता है, आप लोग अपने बच्चे के लिए भी खुलवा सकते हैं। ये दोस्तों 15 साल की मेच्योरिटी के साथ आता है, यानी कि आप लोग 15 साल बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लोन सुविधा, टैक्स बेनिफिट, ट्रिपल एग्जाम मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये सालाना निवेश करना है और मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करने का मौका मिलता है। और ये जो 1.5 लाख रुपए अमाउंट है दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम्प्ट होता है टैक्स, यानी कि इस पे आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। और आप लोग जो यहाँ पे रिटर्न गेन करते हैं, जो भी मंथली सालाना जो भी रिटर्न गेन करते हैं, उस पर भी आप लोगों को किसी भी तरह से टैक्स नहीं लगता। और जो भी आप लोगों का मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो भी किसी भी तरह से टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ को माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम पांचवें इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आप लोग सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को उससे कंपेयर करते हैं, कई लोग सरकारी बॉन्ड को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने लगते हैं, तो मैं कहूंगा दोस्तों थोड़ा सा गलत बात है ये। स्टॉक मार्केट और सरकारी बॉन्ड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, लंबी अवधि के लिए आते हैं 5 से 10 साल, तो यहाँ पे आप लोग 8% तक मिनिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पांचवा इन्वेस्टमेंट जो सरकारी बॉन्ड है, इसे भी एक बार निवेश में लेना चाहिए। आप लोग नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, मैंने ये जो जो भी आप लोगों को ऑप्शन बताए हैं पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे छठे और आखिरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर म्यूचुअल फंड के साथ आना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न निकाल कर ले जाते हैं। अगर 98% की बात करें तो 98% लोग भी यहाँ से काफी अच्छे खासे रिटर्न, 2% है अगर उनकी फंड च्वाइस सही नहीं है तो उनको आगे जाकर के परेशानी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर सिप के माध्यम से अगर आप लोग निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, 10 से 15 साल, अगर आप 5 साल के लिए भी निवेश करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आप लोग 10% तक तो रिटर्न निकाल ही लेंगे। अगर आप लोगों का फंड चॉइस अच्छी है, मार्केट की समझदारी अच्छी है, या फिर अगर आप लोगों का जो भी ब्रोकर सलाहकार या फिर जो भी एजेंट है म्यूचुअल फंड का वो सही से निवेश करता है, तो आप लोग काफी अच्छा खासा पैसा आप लोग म्यूचुअल फंड से भी बना सकते हैं। अगर इन सारे इन्वेस्टमेंट को अलग कर दे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें रिटर्न के रूप में, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड के सिप के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लोगों ने 15 से 20%, 30% तक का भी रिटर्न निकालना है बाकायदे। आप लोगों को अच्छा खासा एनालिसिस करने आना चाहिए। इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियोस बनाई है, उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप लोगों को किस तरह से निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, सिप क्या होता है, लमसम क्या होता है, और भी कई सारे ईएलएसएस क्या होता है, यानी कि टैक्स सेविंग फंड्स हो जाए दोस्तों, ईएलएसएस जो कि इक्विटी लिंक की स्कीम्स होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, तो यहाँ पर भी आप लोग निवेश करके टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का ATC एग्जाम्ड है आप लोगों का पीपीएफ में, तो यहाँ भी कई सारे इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग लिटिल बिट रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल लिटिल बिट, तो आप लोग यहाँ पे सिप को भी चूज कर सकते हैं या फिर लमसम को, यानी कि मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। बाकी अगर आप लोग पूरी एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, मैंने म्यूचुअल फंड में काफी सारी वीडियोस बना रखी है आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग काफी सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही है, यही सारी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा निवेश चूज करना चाहिए, तो अगर दोस्तों आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए निवेश करना चाहते हैं 5 से 10 साल के लिए, तो मैं कहूंगा दोस्तों आप लोगों के पास 1-2 लाख रुपए है तो आप लोग उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी किसी बैंक को पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग रिटर्न है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए। मैंने यहाँ पे वीडियोज भी बना रखी है, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह से फिक्स डिपॉजिट चूज करना है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को रिटर्न चाहिए, मतलब कि आप लोग कुछ गोल लेकर के चल रहे हैं कि हमें इतने सालों में इतना पैसा चाहिए, इतने सालों में इतना मतलब मेरा काम हो जाना चाहिए, कोई घर खरीदना हो सकता है, कहीं जमीन लेना हो सकता है, इस तरह का निवेश, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को
इन छह तरीकों में यानी कि छह इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहिए अलग अलग। मैं कहूंगा कि आप लोग अधिकतर निवेश कीजिए म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों की फंड चॉइस मार्केट एनालिसिस ढंग की है, अच्छी खासी है, तो आप लोग काफी अच्छा पैसा निकाल सकते हैं और जो आप लोगों का गोल है वो काफी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की सलाह थी, तो मैं कहूंगा दोस्तों आप लोग इन छह में से किसी भी इन्वेस्टमेंट को चूज करें तो एक बार अपनी तरफ से एनालिसिस करें क्या ये इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने बताए हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। तो मैंने जिस जिस की भी वीडियोस बना रखी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाल दूंगा, तो आप लोग यहां से वॉच करना चाहते हैं तो यहां पर भी वॉच कर सकते हैं। बाकी आप लोग को इंटरनेट भी और भी कई सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर कोई क्वेश्चन या फिर सलाह हो या फिर मैंने कोई आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग चाहते थे कि मैं इसको ऐड करना चाहिए था, इसको भी इस इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करना चाहिए था, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हमारे अदर्स व्यूवर्स की हेल्प हो जाए, वो भी इस इन्वेस्टमेंट को देख सके और वो भी एक और ऑप्शन ले सके कि हम यहाँ भी निवेश कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अगर इस वीडियो ने किसी भी तरह से हेल्प करी हो आप लोगों को भी, तो लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी पता चले भैया कि हम यहाँ यहाँ भी निवेश कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो कौन सा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को रोजाना मिलती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।